हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी। आज हम देखेंगे फीबा वुमेन्स एशिया कप 2019। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होंगे उसको हम डिटेल में देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, फीबा वुमेन्स एशिया कप इज रिलेटेड टू विच गेम। फीबा वुमेन एशिया कप किस गेम से रिलेटेड है, तो ये बास्केटबॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द होस्ट नेशन फॉर फीबा वुमेन एशिया कप 2019। फीबा वुमेन एशिया कप 2019 कहां पर हुआ था, होस्ट नेशन का मतलब होता है कहां पर हुआ था ये, तो ये हुआ है इंडिया में और जिस सिटी में हुआ है ये है बंगलुरु। बंगलुरु आता है कर्नाटका स्टेट के अंदर। जस्ट हम पिछले बार के एशिया कप की बात करें तो पिछले बार का जो फीबा वुमेन एशिया कप 2017 हुआ था वो भी बेंगलुरु में हुआ था और ये कर्नाटका के अंदर आता है। और तीसरी बार इंडिया ने होस्ट किया था 2009 में और ये हुआ था चेन्नई, जो तमिलनाडु स्टेट के अंदर आता है। तो याद रखिएगा, अभी तक इंडिया ने 3 बार किया है होस्ट। अब कर्नाटक की बात हुई तो ये हमारा इंडिया का मैप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है कर्नाटका स्टेट। दूसरे स्टेट की बात हुई है वो है तमिलनाडु, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है तमिलनाडु और यहाँ पर चेन्नई आता है और यहाँ पे बंगलुरु आता है। फीबा वुमेन एशिया कप 2019 इज विच एडिशन, अभी कौन सा एडिशन हुआ था 2019 में, तो ये 28th एडिशन हुआ था, मतलब अभी तक ये 28 बार हो चुका है फीबा वुमेन एशिया कप। फर्स्ट एडिशन जो हुआ था, पहली बार ये जो एशिया कप हुआ था ये 1965 में हुआ था और अभी 2019 में जो हुआ है वो है 28th एडिशन। फीबा वुमेन एशिया कप 2019 हेल्ड ऑन विच डेट, ये कब हुआ था, किस डेट में हुआ था, तो ये 24 से लेकर 29 सितंबर 2019 में हुआ था। और यदि जस्ट पीछे 2017 में जब ये हुआ था उसकी बात करें हम, तो ये 23 से लेकर 29 जुलाई में हुआ था। हाउ मेनी टीम्स पार्टिसिपेटेड इन द फीबा वुमेन्स एशिया कप 2019, कितनी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था इस बार फीबा वुमेन एशिया कप 2019 में, तो टोटल टीम जितने ने पार्टिसिपेट किया था वो है 8। सिर्फ 8 टीम है, इसलिए हर एक टीम को जान लेते हैं कौन सी है। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, चाइनीज ताइपेई, न्यूजीलैंड और फिलीपींस। नेम द चैंपियन ऑफ फीबा वुमेन्स एशिया कप 2019, फीबा वुमेन एशिया कप 2019 का चैंपियन कौन रहा, तो चैंपियन रही है जापान। जापान ने अभी तक टोटल टाइटल लिए है 5, जिसमें से 4 टाइटल कंसेक्यूटिव रहे, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, तो 2013, 15, 17, 19, मतलब इस साल लगातार इन 4 बार जो एशिया कप हुआ है उसमें जापान ही चैंपियन रहा है और 5वां टाइटल जापान ने लिया था 1970 में। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और किस तरह के वीडियोस आप लोग चाहते हैं कि एकेडमी बनाए। शेयर करिए अपने सोशल साइट में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और ढेर सारी लाइक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ फीबा वुमेन्स एशिया कप 2019, फीबा वुमेन एशिया कप 2019 के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का नाम बताइए। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर को कभी कभी ये एमवीपी ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी बताता है, तो कंफ्यूज मत होइए। यदि एमवीपी भी दे देता है आपको, मतलब मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, तो 2000 एशिया कप फीबा वुमेन्स का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे नाको मोतोहाशी, और ये जो है नाको मोतोहाशी ये जैपनीज बास्केटबॉल प्लेयर है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ फीबा, फीबा बार बार आ रहा है जो हम देखे कि ये बास्केटबॉल से रिलेटेड है, लेकिन ये फीबा का फुल फॉर्म क्या है, तो फीबा का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन बना था 18 जून 1932 में और इसमें टोटल मेंबर, अभी हम एशिया कप देख रहे हैं लेकिन ये टोटल मेंबर की बात कर रहे हैं, मतलब दुनिया में जितनी भी कंट्रीज है उनकी बात कर रहा है ये, तो टोटल मेंबर है 213, मतलब 213 कंट्री इससे जुड़ी हुई है अभी इस फेडरेशन से, और एट प्रेजेंट में इसके जो प्रेसिडेंट है वो है हमीन नियांग। नेक्स्ट है, व्हेन वाज फीबा एशिया वाज फॉर्म, अब पर्टिकुलर हम एशिया की बात कर रहे हैं कि फीबा एशिया कब बना था, तो फीबा एशिया बना था 1960 में और फीबा एशिया का जो हेडक्वार्टर है वो है क्वालालंपुर मलेशिया। इसमें जो टोटल मेंबर है वो है 44 नेशन, मतलब एशिया की 44 कंट्रीज इससे जुड़ी हुई है, और एट प्रेजेंट में फीबा एशिया के जो प्रेसिडेंट है वो है शेख साउद। अब हम वर्ल्ड मैप पे देख लेते हैं कि कहां पर आता है मलेशिया, तो ये रहा हमारा प्यारा भारत, नीचे है हमारा इंडियन ओशन, इस साइड हम आ जाए तो ये है ऑस्ट्रेलिया, यहां से लेकर यहां तक जो पूरा फैला हुआ है ये ग्रुप ऑफ आइसलैंड है जिसको हम बोलते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जस्ट ऊपर साइड में हम यहां पर देखेंगे तो ये है मलेशिया।
नेक्स्ट है व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन फीबा वुमेन्स एशिया कप 2019। फीबा वुमेन एशिया कप 2019 में इंडिया का रैंक क्या रहा, तो इंडिया का रैंक रहा है 8वां। अभी हमने क्वेश्चन में देखा था टोटल टीम पार्टिसिपेट जो की थी वो 8 टीम है, मतलब 8 टीम पार्टिसिपेट की और इंडिया का रैंक उसमें 8 है, तो सबसे निचले स्थान में इंडिया रहा। यदि हम जस्ट 2017 मतलब पिछले बार की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग थी 9th। अब इंडिया की रैंकिंग उस बार 9th इसलिए थी कि टोटल टीम जो पार्टिसिपेट की थी 2017 में वो 16 टीम थी, तो 16 टीम में से इंडिया की रैंक जो थी वो 9th रैंक थी। हु वॉन गोल्ड मेडल इन फीबा वुमेन एशिया कप 2019। फीबा वुमेन एशिया कप 2019 में गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो चैंपियन जापान रही, मतलब गोल्ड मेडल भी जापान ने ही जीता है। सिल्वर मतलब सेकंड पोजीशन में रहा चाइना, जबकि ब्रॉन्ज मतलब थर्ड पोजीशन में रहा है ऑस्ट्रेलिया। ये है हमारा प्यारा भारत, नीचे आ जाए तो ये है इंडियन ओशन। ऑस्ट्रेलिया की बात हुई थी इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्ट ये इंडोनेशिया जो यहाँ पर मैंने जस्ट अभी बताया था, उसके नीचे जो ये बड़ा सा आइसलैंड रहता है ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, इस साइड हम ये जो देख रहे हैं ये है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन मैक्सिमम गोल्ड इन फीबा वुमेन एशिया कप। अभी फीबा वुमेन एशिया कप 2019 नहीं लिखा है, मतलब ये ओवरऑल अभी तक जितने भी फीबा वुमेन एशिया कप हुए मतलब 28 हुए, हम देख चुके 28th एडिशन है ये 2019 का, तो अभी तक 28 बार ये एशिया कप हो चुका है। तो मैक्सिमम गोल्ड मतलब मैक्सिमम बार चैंपियन कौन बना है, तो मैक्सिमम गोल्ड जीते हैं साउथ कोरिया ने, मतलब साउथ कोरिया अभी तक मैक्सिमम बार 12 बार वुमेन्स एशिया कप फीबा वुमेन्स एशिया कप का चैंपियन रह चुका है। साउथ कोरिया ने अभी तक जीते हैं 12 गोल्ड, चाइना चैंपियन रहा है 11 बार इसलिए उसने जीते हैं 11 गोल्ड, जबकि जापान चैंपियन रहा है 5 बार मतलब उसने जीते हैं 5 गोल्ड, तीनों को हम ऐड कर ले तो ये हो जाता है 28। अब हम वर्ल्ड मैप पे देख लेते हैं कि चाइना कहां पर आता है, तो ये हमारा इंडिया, ऊपर साइड में इतना जो पोर्शन है यहां से यहां तक का ये हमारा चाइना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइना किस साइड में, हम इस साइड पे आ जाए तो ऊपर का ये जो पोर्शन है ये है हमारा नॉर्थ कोरिया, जबकि नीचे का ये वाला पोर्शन है ये है हमारा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के जस्ट साइड में हम ईस्ट साइड में आ जाए तो ये हमको जो आइसलैंड दिख रहा है बड़ा सा ये है हमारा जापान। व्हाट इज इंडियाज वुमेन्स बास्केटबॉल टीम फीबा रैंकिंग, फीबा रैंकिंग की बात हो रही है और हमको फीबा रैंकिंग देखना है इंडिया वुमेन्स बास्केटबॉल टीम का, क्योंकि अभी हम जो देख रहे एशिया कप ये वुमेन्स एशिया कप है, तो इसमें इंडिया बास्केटबॉल टीम जो वुमेन्स की टीम है उसमें इंडिया वुमेन्स बास्केटबॉल टीम की रैंकिंग क्या है, तो ये रैंकिंग है 45th। हमारी जो इंडिया वुमेन्स टीम है उसने फीबा को कब ज्वाइन किया था, तो 1936 में किया था, और हम देख चुके हैं कि ये बना कब था 1932 में, तो 1932 में ये फीबा बना था और 1936 में इंडिया वुमेन्स बास्केटबॉल टीम ने इसको ज्वाइन कर लिया था। हम गोल्ड देख चुके हैं कि अभी तक कौन चैंपियन रहा है 28 बार में, लेकिन हम सिल्वर की और ब्रॉन्ज की भी बात करें तो इंडिया ने कभी सिल्वर भी नहीं जीता है इसमें एक भी बार 28 एडिशन में, कभी ब्रॉन्ज भी नहीं जीता है 28 बार एडिशन हुआ है उसमें, और गोल्ड तो जीता ही नहीं है, मतलब अभी तक चाहे सिल्वर हो ब्रॉन्ज हो गोल्ड हो इंडिया ने 28 एडिशन हो चुके हैं इस चैंपियनशिप के, लेकिन एक भी बार कुछ भी नहीं जीता है। थैंक यू।